सबरी झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू से छिटक करके एक पत्थर उस सरोवर में चला गया दंडकारण्य के। संतों ने कहा यह इसकी झाड़ू से लग के गया, अब यह सरोवर का जल हमारे भगवान के और हमारे यूज में उपयोग में लेने योग्य नहीं है। कुछ दिनों में भयंकर कीड़े पड़ गए उस सरोवर में, और जब भगवान आए तो संतों ने कहा प्रभु पूरे दंडकारण्य में एक ही सरोवर है, उसी में सब संत महापुरुष स्नान ध्यान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, और उसमें भी इस सबरी की वजह से कीड़े पड़ गए हैं, आप अपने चरणों की रज इसमें प्रदान करो और उसका जल पवित्र हो, शीतल हो। तब भगवान ने कहा हमारे चरणों की रज नहीं, संतों की चरणों की रज से ही वह पवित्र हो सकता है। अब तो महाराज संतों की चरणों की रज को उस सरोवर में डाला तो पहले तो छोटे छोटे कीड़े थे, फिर और बड़े बड़े हो गए। देखिए वहाँ ये विचार ना करें कि संतों की चरण रज से और बड़े कीड़े हो गए, वहाँ सबरी का मान भगवान को बढ़ाना है, अपनी भक्ता का मान बढ़ाना है। तो भगवान स्वयं कहते हैं अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, हमारा और हमारे संतों का भले ही मान टल जाए पर भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। जैसे ही कीड़े बड़े बड़े हुए तो लोगों ने कहा अरे प्रभु आप कह रहे थे कि रज से सही हो जाएगा जल, पर ये तो और बड़े बड़े कीड़े हो गए। तब भगवान ने कहा कि सबरी के चरणों की रज उस सरोवर में डालो, जल निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब तो सबरी ने जैसे ही देखा तो एकदम घबरा के भागी है, कहा प्रभु हम इस योग्य नहीं है। जब सबरी भागी है तो भगवान ने कहा है कि जहां सबरी खड़ी हुई थी वहीं की रज उठा के डाल दो, निश्चित ही जल का जो सरोवर है वह पवित्र हो जाएगा। और सबरी के चरणों की रज को उठाकर जैसे ही उस सरोवर में डाला महाराज एकदम पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, सबने प्रत्यक्ष देखा। अपने भक्त की मान बढ़ाने के लिए भगवान ने वह लीला की। सच्ची श्रद्धा निष्ठा हो तो महाराज सब हो सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य भक्तमाली जी महाराज का एक संस्मरण सुनाते हैं कि महाराज जी टीकमगढ़ में गए, एक गांव का भोला भाला भक्त, उसने अपने यहाँ कुआं खुदवाया, कुआं उस कुएं में खारा पानी निकला। वो आया कि महाराज आप संतों के चरणों की रज की बहुत महिमा है, हमने सुना है, और महाराज जी के चरणों का प्रक्षालन करके महाराज जी की चरणों की रज ले गया, और उसके मन में श्रद्धा इतनी थी कि श्रद्धा के अनुरूप जब महाराज जी के चरणों को धुल के उसने उस कुएं में डाला तो जिस कुएं का पानी एकदम खारा था महाराज संतों के चरणामृत के प्रभाव से बिल्कुल मीठा हो गया, प्रत्यक्ष घटी हुई घटना। तो वहां उसकी श्रद्धा उतनी थी तो श्रद्धा ने काम किया। आज सबरी का भगवान मान बढ़ा रहे हैं,